नमस्कार बच्चों, आज का पाठ है दो वरदान। इससे पहले हमने ये देखा कि जब रामचंद्र जी की शादी हो जाती है तब राजा दशरथ के मन में एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक, उन्हें युवराज का पद देना। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। राम यह जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। प्रजा उनको चाहती थी। दशरथ के लिए तो वह प्राणों से भी प्यारे थे और दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श करने के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया, जैसा बन पड़ा अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं। मैं वृद्ध हो चला हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दूँ। अगर आप सब सहमत हो तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय इससे भिन्न है तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूँ। सभा ने तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। तुमुल ध्वनि यानी तालियों की आवाज़ से राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे संतोष के साथ। उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह ही कर दिया जाए। यह समाचार पलक झपकते पूरे नगर में फैल गया। हर जगह बस यही चर्चा थी। राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गईं। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे। वह अपने नाना कैकेयराज के पास गए हुए थे। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी। उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में भी नहीं पता था। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। कि कैसे एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम ना रोका जाए। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है। तुम राजधर्म का पालन करना, कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे ही हाथ में है। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी कैकेयी की दासी ने भी देखी, मंथरा ने। शुरू में उसे इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान समझा। इतनी रौनक, इतनी सजावट, ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा था। उसे अचंभा हुआ। फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा। उसे तब पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। यह उत्सव उसी के लिए है। अब मंथरा को जलन हुई, वह जल भुन गई। राम का राज्याभिषेक उसे षड्यंत्र लगने लगा। कैकेयी के विरुद्ध, वह कैकेयी की दासी थी बचपन से। कैकेयी का हित ही उसके लिए सबसे ऊपर था, सर्वोपरि था। मंथरा उसे अपना हित मानती थी। वह कैकेयी की मुँह लगी थी। रानी कैकेयी भी उसे बहुत मानती थी। क्रोध से आग बबूला मंथरा रनिवास की ओर भाग कर गई। सीधे कैकेयी के कक्ष में वह हाँफ रही थी। क्रोध से चेहरा लाल था। भागने के कारण सांस उखड़ गई और उसने कैकेयी को सोते हुए देखा। किसी तरह स्वयं को संभाला और कहा, अरे मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। यह समय सोने का नहीं है। होश में आओ, विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ। रानी कैकेयी नींद से चौंक कर उठी। उन्हें मंथरा की बात समझ में नहीं आई। बोले, बात क्या है, तुम इतना क्यों घबराई, सब कुशल तो है। उसने कहा, कैसा कुशल, कैसा मंगल, सब अमंगल होने वाला है। तुम्हारे सुखों का अंत होने वाला है। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। अब राम युवराज होंगे।
यह तो बहुत शुभ समाचार है, कैकेयी ने प्रसन्नता से अपने गले का हार उतार कर मंथरा को दे दिया। मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ, राम युवराजपद के लिए हर तरह से योग्य हैं। रानी, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, मति मारी गई है। सवाल राम की योग्यता का नहीं है, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है, तुम्हारे अधिकार छीनने का है, मंथरा ने हार दूर फेंकते हुए कहा। यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? कल सुबह राज्याभिषेक है, भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया, समारोह के लिए बुलाया तक नहीं। कैकेयी का स्वर उग्र हो गया, उन्होंने मंथरा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है, यानी बहुत स्नेह है, वह मुझे माँ के समान मानते हैं, तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है, इसमें षड्यंत्र नहीं है, राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे, राज तो सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है, ज्येष्ठ यानी बड़ा। मंथरा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ, उसके लिए यह दशरथ का षड्यंत्र था। वह रानी कैकेयी के पलंग पर बैठ गई और उनके बहुत निकट। कैकेयी के चेहरे को देखते हुए उसने कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान हो, तुम्हें आसन्न संकट नहीं दिखता, दुख की जगह प्रसन्नता होती है, इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आ जाएगा, समझो रानी, राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी और तुम्हारा पुत्र राम का दास बनेगा। अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो रानी, राम को राज मिला तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे, भरत को दंड देंगे, इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो, कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। इस पर कैकेयी पर मंथरा की बातों का असर होने लगा और उनका सिर चकरा गया, वह पलंग से उठी तो पांव सीधे नहीं पड़े, आंखों में आंसू थे, मन भारी हो गया, प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले ली, गुस्सा आ गया उनको। मंथरा के तर्कों में उन्हें सच्चाई दिखने लगी, अब उन्हें लगा कि ये तो सच कह रहे हैं। तुम्हें बताओ मैं क्या करूं, कैकेयी ने आंसू पोंछते हुए मंथरा से पूछा। मंथरा पलंग से उठी, कैकेयी के पास जाकर खड़ी हो गई और कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें दो वरदान दिए थे, दशरथ ने अपना वचन पूरा करने के लिए कहो दशरथ से, एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो, दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लो। कैकेयी का चेहरा तमतमाया हुआ था, यानी गुस्से से लाल था, और उन्हें मंथरा की बात ठीक लगी। उनके मन में एक प्रश्न अब भी था, यह बात दशरथ को कैसे कहें, उन्हें रनिवास बुलवाएं या प्रतीक्षा करें। मंथरा ने कैकेयी के मन की बात भांप ली, उसने कहा, तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन में चली जाओ। कोप भवन क्या होता है? पहले समय में जब रानियां नाराज हो जाती थी तो एक अलग से रूम बनवा दिया जाता था, वह पुराने कपड़े पहनकर नाराज की जाहिर करने के लिए उस रूम में जा कर के लेट जाती थी, खाना पीना नहीं खाया करती थी। महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखो, बात मत करो, तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे, बस उसी समय तुम उन्हें पिछली बात याद दिला देना और दोनों वचन मांग लेना। तब कैकेयी ने कहा, मैं ऐसा ही करूंगी, महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। मंथरा का तो लक्ष्य पूरा हो गया, यानी वो चाहती ही थी। उसने कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना, भरत इतने समय में राजकाज संभाल लेंगे, जब तक राम लौटेंगे लोग उन्हें भूल चुके होंगे, अब जल्दी करो रानी, समय बहुत कम है। और रानी कोप भवन में चली गई। राजा दशरथ जी आए और रनिवास की ओर चल पड़े कि सभी को शुभ समाचार सुनाएंगे, लेकिन कैकेयी के कक्ष में जैसे ही वो गए तो देखा कि वहाँ रानी नहीं है, देखा पता चला तो बोले कोप भवन में है। दशरथ को बड़ी चिंता हुई, रानी कोप भवन में क्यों? क्या इसलिए कि उन्हें अभी तक नहीं बताया कि मैं उन्हें अवश्य मना लूँगा? दशरथ को भवन जाते हैं और हैरान रह जाते हैं कि कई जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, गहने कक्ष में बिखरे पड़े, कपड़े मैले, तुम्हें क्या दुख है, क्या हुआ तुम्हें, बताओ, अस्वस्थ हो, राजवैद्य को बुलाऊं?
दशरथ ने कई सारे सवाल पूछ डाले, लेकिन कैकई सिर्फ रोती रही। फिर राजा ने कहा, तुम तो मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने उत्तर नहीं दिया। दशरथ भूमि पर बैठ गए, विनती करते रहे। हाँ, मैं बीमार हूँ, कैकई ने कहा। मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले एक वचन दो, मैं जो मांगूँ उसे पूरा करोगे? राजा ने बोला, हाँ करूँगा। मैं राम की सुगंध खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ली तो कैकई उठ करके बैठ गई। वो बोलने लगी, आप मुझे वे दोनों वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। तो महाराज ने हाँ कर दी। कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं, कैकई ने कहा। दशरथ भौचक रह गए। कितने भौचक रह गए? जैसे उन पर वज्रपात सा हो गया हो, कोई आसमान आ पड़ा हो, बिजली गिर गई हो। थोड़ा रुक कर कैकई बोली कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो। दशरथ का चेहरा फक पड़ गया, बिल्कुल सफ़ेद हो गया उनका चेहरा, अवाक रह गए। वो सिर चकराने लगा और उन्हें मुरझा आ गई। कुछ देर में राजा को होश आया, कैकई की ओर देखा, बड़े कातर भाव से बोले, यह तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना है। कैकई अड़ी रही। दशरथ कैकई की मांग को अस्वीकार करते रहे, मना करते रहे, लेकिन कैकई ने अपना अंतिम हथियार चला दिया और कहा, अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, पर आप तब आप दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। रही मेरी बात, आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूँगी। यह कलंक आपके माथे होगा। राजा दशरथ यह सुन नहीं सके, दोबारा बेहोश हो गए। रात भर बेशुद्ध पड़े रहे। बीच बीच में होश आता और वह कैकई को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, लेकिन कैकई टस से मस नहीं हुई, मानी ही नहीं। और सारी रात इसी तरह बीत गई। तो यह है पाठ 2, वरदान। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।